नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 20 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का ये चार्ट ओपन किया हूँ, डेली चार्ट। इसमें देखिए, ये 10,680 में सपोर्ट लिया है, तो इसका एक्चुअली सपोर्ट है, ये आप लोग मान सकते हैं कि 10,650 में इसका सपोर्ट है। उसके बाद ये 10,450 तक गिर सकता है, और ऊपर ये और 10,870 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, और इसके बाद फिर ये 10,920 में तक 20 में जा सकता है। उस वो जो क्रॉस करने से वो फिर ऊपर जा सकता है, 10,990 या 11,000 के ऊपर चला जा सकता है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए, ये 26,600 ये 26,670 में इसका सपोर्ट है, और उसके बाद एक्चुअली इसका लास्ट सपोर्ट है 26,500 में, उसका नीचे वो 26,000 तक जा सकता है। तो ऐसा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ऐसा होने का चांस बहुत ही कम है। वो आप लोग जानता है कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस का घट रहा है, इसीलिए इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे जा रहा है। ऐसे खास कुछ वजह नहीं, को दूसरा कुछ इकोनॉमिक फैक्टर या मार्केट का गिरने का कोई और कुछ वजह नहीं है, तो इसीलिए मेरा नहीं लगता है कि ये बहुत नीचे आएगा। ये इसी रेंज पे रहेगा, लेकिन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, और जब ये सब्सिडाइज हो जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस, ये भी ऊपर अप ट्रेंड फिर ऊपर जाएगा। ये देखिए 270 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, 26,500 27,828 तक फिर से आ सकता है। और इसका ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करूँगा तो फर्स्टली ये देखिए निफ्टी का, मैंने 26 सितंबर लेता हूँ, 26 सितंबर 26 सितंबर लेता हूँ, तो इसका देखिए निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है वो ऑलमोस्ट सोच लीजिए 0.87 तक है। ये 0.75 मतलब 0.75 से 1 के बीच में है, ये साइडवेज मूवमेंट ही ज़्यादा रहेगा, तो 0.75 के नीचे 50 तक ये आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर ही जाएगा। और इधर देखिए हेवी कॉल साइड में हेवी राइटिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है, और इसका फर्स्ट सपोर्ट ये है 10,800 में, सॉरी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 10,800 में, और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 10,900 में। और इधर इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इसका फर्स्ट सपोर्ट है 10,600 में, तो उसके बाद ये फिर से 10,500 तक आ सकता है, 10,500 में ये आ सकता है, 10,600 मेनली 10,650 से तोड़ देगा तो ये 10,500 तक आने का बहुत चांस है, लेकिन ऐसा होने का चांस भी बहुत कम है। और बैंक निफ्टी का मैंने देखूंगा तो ऑप्शन चेन में, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखिए, फर्स्टली ये जो पीसीआर रेशियो है ये ऑलमोस्ट मतलब 50 के नीचे आ गया है, तो इसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का बहुत ही चांस है। हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, इधर इधर 27,000 में इसका रेजिस्टेंस है, 26,800 में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, और 27,000 में रेजिस्टेंस है,